जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित राशि के रूप में ब्याज सहित 2 लाख रुपए के साथ मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 15,000 रुपए वादिया को देने के आदेश दिए हैं। वादिया का पुत्र प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित बताया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित राशि के रूप में ब्याज सहित 2 लाख रुपए के साथ मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 15,000 रुपए वादिया को देने के आदेश दिए हैं। गांव जेंगारा कागारौल की रहने वाली राजवती ने अपने अधिवक्ता मयंक उपाध्याय के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में मुकदमा प्रस्तुत किया था। मुकदमे में कहा कि उनके पुत्र विष्णु चाहर का भारतीय स्टेट बैंक किरावली शाखा में बचत खाता था। उस खाते से उनके पुत्र की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपए की कटौती की जाती थी। 21 जनवरी 2023 को वादिया के पुत्र विष्णु चाहर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वादिया ने सभी विधिक औपचारिकता पूरी कर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया। कंपनी ने क्लेम न देने पर विधिक नोटिस दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने न नोटिस का जवाब दिया और न ही उपभोक्ता फोरम में हाजिर हुआ। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार ने वादिया का वाद स्वीकार कर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित राशि के रूप में आदेश पारित करने की तारीख से 45 दिन के अंदर ब्याज समेत 2 लाख रुपए और मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15,000 रुपए वादिया को दिलाने के आदेश दिए हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।